नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। 18 सितंबर से सदन का विशेष सत्र शुरू हो रहा है, वहीं 19 सितंबर यानी कि गणेश चतुर्थी को नए संसद में सत्र का आयोजन किया जाएगा। वहीं सदन सत्र की शुरुआत से पहले नए संसद के कर्मचारियों के यूनिफॉर्म को भी बदल दिया गया है। अब नए संसद भवन में अधिकारी से लेकर मार्शल तक के यूनिफॉर्म को बदल दिया गया है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट ने डिजाइन किया है। इस ड्रेस में मणिपुर टोपी से लेकर कमल के फूल की प्रिंट वाली शर्ट को ऐड किया गया है। पहले संसद में कर्मचारियों को बंद गले का सूट दिया गया था, वहीं इस बार उन्हें मैजेंटा या गहरे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट दी जाएगी। उनकी शर्ट भी गहरे गुलाबी रंग की होगी जिस पर कमल का फूल बना होगा। इसके साथ ही खाकी रंग की पैंट दी जा रही है। वहीं मार्शल के ड्रेस की बात की जाए तो अब सफारी सूट की जगह क्रीम कलर के कुर्ते पैजामे उन्हें दिए जाएंगे, साथ ही वो मणिपुर पगड़ी भी अपने साथ कैरी करेंगे। वहीं सुरक्षा में लगे कर्मचारियों को सैनिकों की तरह कैमोफ्लोज ड्रेस दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ संसद कर्मचारियों के ड्रेस कोड में बदलाव को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। इस बदलाव को लेकर विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सांसद और लोकसभा में कांग्रेस के व्हिप मणिकम टैगोर ने शर्ट पर कमल के चिन्ह को लेकर सवाल उठाया है। मणिकम टैगोर ने कहा कि अगर प्रिंट रखना ही था तो सिर्फ कमल का ही प्रिंट क्यों रखा गया। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, सिर्फ कमल ही क्यों, मोर या बाघ क्यों नहीं, ये बीजेपी का चुनाव चिन्ह नहीं है, ओम बिरला जी ये गिरावट क्यों। टैगोर ने आगे लिखा, संसद के कर्मचारियों की वर्दी पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, उन्होंने G20 में भी ऐसा ही किया था, अब ये लोग फिर से ऐसा ही कर रहे हैं, कह रहे कि ये राष्ट्रीय फूल है, इस तरह का ओचापन ठीक नहीं है। उम्मीद है बीजेपी इन सब से ऊपर उठेगी क्योंकि संसद पार्टियों से ऊपर उठकर है। इससे पता चलता है कि बीजेपी हर दूसरी संस्था में हस्तक्षेप कर रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कमल को लेकर बवाल मचा हो। इससे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने G20 में कमल के चिन्ह पर तर्क दिया था। केंद्र सरकार शिखर सम्मेलन के लोगों के लिए कमल के फूल के अलावा किसी अन्य राष्ट्रीय चिन्ह का विकल्प चुन सकती थी, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा था, क्योंकि कमल का फूल एक राजनीतिक पार्टी का चिन्ह है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि G20 के लोगों में कमल के फूल का इस्तेमाल करना एक जरूरी मुद्दा तो है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि अगर इस मुद्दे पर बाहर यानी विदेशों में चर्चा होती है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।